हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास मैमेलिया। और आपको बता दें कि क्लास मैमेलिया पर हमारे दो लेक्चर होंगे और आज का ये पहला लेक्चर है। तो देख लीजिए आज के हमारे इस पहले लेक्चर में क्या होने वाला है। सबसे ज़रूरी बात यह कि आज आपको एक बात बताने वाला हूँ मेरे दोस्त कि देखिए, कुछ लोग जो पढ़ाई करते हैं उनके दो उद्देश्य होते हैं। पहला मूल उद्देश्य तो होता है आपका सिलेक्शन लेना, ठीक है। दूसरा होता है कि नॉलेज इकट्ठा करना, ठीक है। तो सिलेक्शन के उद्देश्य से हमारा ये लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं आपको, जिसमें सिलेक्टिव मटेरियल आपको उपलब्ध कराते हैं और केवल वही पॉइंट्स रखते हैं, आपको कूड़ा कबाड़ा नहीं रखते हैं। अर्थात जो सिलेक्टिव पॉइंट्स होते हैं केवल वही आपको देते हैं। तो इसमें सिलेक्शन प्लस नॉलेज आपको दोनों मिलने वाले हैं। अगर आपको उम्मीद हो, अगर आपको भरोसा होगा मेरे भाई इस लेक्चर पर, तो आप लास्ट में लाइक करना, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना, लेकिन अंत में जब आपको मजा आएगा तब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर में कि पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है। दोस्त देखिए, हमारे इस पहले पॉइंट्स में क्या कह रहा है, क्लास मैमेलिया में, मैमेलिया इसके कहते हैं दोस्त स्तनी। अर्थात इस मैमेलिया में ऐसे जीवधारियों को शामिल किया गया है जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। अर्थात जिसमें ऐसे जीवधारी जिसमें स्तन का विकास होता है, ठीक है, जिसमें स्तन का विकास होता है, उसे हम किस में रखते हैं, क्लास मैमेलिया में रखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्त, कि स्टडी ऑफ मैमल्स, स्तनी का अध्ययन क्या कहलाता है, कहलाता है मैमोलॉजी। क्या कहलाता है मेरे भाई, मैमोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ मैमल्स को। और इसमें लगभग 5000 स्पीसीज शामिल की गई हैं और ये लिविंग स्पीसीज हैं। क्या हैं मेरे भाई, लिविंग स्पीसीज हैं, ठीक है, ये लिविंग हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर 5500 हो जाता तो उसमें लिविंग प्लस नॉन लिविंग हो जाते, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अब जो ये मैमल्स हैं इनकी ओरिजिन कहां से हुई, कब हुई। तो इनकी जो ओरिजिन हुई दोस्त, ये हुई रेप्टाइल्स से। किससे ओरिजिनेट हुए ये मैमल्स, ये रेप्टाइल से इनकी ओरिजिनेट हुई। और कौन सा रेप्टाइल था, वो था थिरैप्सिडा। कौन था, थिरैप्सिडा। ये जो मैमल्स लाइक ये पहला दिखा था थिरैप्सिडा, इसी को कहते हैं, ठीक है। और इसी से ओरिजिन हुई है, किसकी, मैमल्स की। मैमल्स की इसी थिरैप्सिडा से ओरिजिन हुई है। अगर बात करें कि मैमल्स की ओरिजिन कहां से, किस इरा के किस पीरियड में हुआ, तो ओरिजिन हुई मीसोजोइक इरा के ट्राइसिक पीरियड में। मीसोजोइक इरा के ट्राइसिक पीरियड में। मीसोजोइक इरा कितने पीरियड में था दोस्त, तीन पीरियड में था, तेजस, मैंने आपको बताया था, ट्राइसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, ठीक है, ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। तो इसकी ओरिजिन कब हुई, ट्रायसिक पीरियड में हुई। इसकी ओरिजिन कब हुई, ट्रायसिक पीरियड में हुई, ठीक है। अब एज ऑफ मैमल्स किसे कहा जाता है, यह भी पॉइंट बन जाता है कि एज ऑफ मैमल्स किसे कहा जाता है। तो एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है सिनोजोइक को। मेरे दोस्त किसको कहा जाता है, यह कहा जाता है सिनोजोइक को, ठीक है, एज ऑफ मैमल्स, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसके अगर हम कैरेक्टर की बात करें मेरे भाई, कैरेक्टर्स की बात करें, इसके लक्षण की बात करें और इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका करेक्टर्स और इसका की पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके करेक्टर और की पॉइंट्स के बारे में। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ये देखिए मेमोरी ग्लैंड्स का उपस्थित होना इसका मूल करेक्टर है, किसका, मैमल्स का। अर्थात इसमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथि होती है, ठीक है, स्तन ग्रंथि होती है इसमें। और यह किसका मॉडिफाइड है, किसका मॉडिफाइड रूप है, किस ग्लैंड्स का, यह भी क्वेश्चन बन चुका है। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये स्वेद ग्रंथि का मॉडिफाइड रूप होती है, स्वीट ग्लैंड्स का मॉडिफाइड रूप होती है मेमोरी ग्लैंड्स। और यह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स है, मैमल्स का मूल लक्षण है। और दूसरा पॉइंट्स क्या है इसका, ध्यान दीजिए, इसमें डायाफ्राम, डायाफ्राम होता है दोस्त। डायाफ्राम क्या है, यह थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में उपस्थित होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम का पाया जाना भी स्तनी का मूल कैरेक्टर है, ठीक है। डायाफ्राम इज मस्कुलर, मस्कुलर संरचना होती है, मांसपेशी संरचना होती है, फाउंड इन मैमल्स ओनली, केवल और केवल कहां होती है, मैमल्स में होती है। तो दोनों पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, डायाफ्राम प्लस मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, किसका मॉडिफाइड है, तो स्वीट ग्लैंड्स का। अगला पॉइंट्स क्या है, कि बॉडी इज कवर्ड बाई कोट ऑफ हेयर्स। जो स्तनी होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनका पूरा का पूरा जो शरीर होता है हेयर्स से ढका होता है। अर्थात हेयर्स उपस्थित होते हैं इनके पूरे शरीर पर, चाहे गाय भैंस और खरगोश ले लीजिए मेरे भाई, मनुष्य को ले लीजिए, हाथी घोड़ा सभी ले लीजिए, ठीक है। तो क्या होंगे, उस पर कोट ऑफ हेयर्स। और ये जो हेयर्स होते हैं स्तन के, स्तनी जो वर्ग मैमल्स हैं उनके ऊपर
जो हेयर्स उनके शरीर पर होता है ये किसका किरेटिन होती है, अल्फा किरेटिन प्रचुर मात्रा में होती है इन हेयर्स में, ठीक है। और इस आवरण को, पूरे हेयर्स के आवरण को एक नाम देते हैं पिलेज। क्या नाम देते हैं? उसे कहते हैं पिलेज। यह पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलेज, ठीक है। अगली खास बात क्या कि एक्सटर्नल पिन्ना फाउंड, ये मैमल्स में क्या होता है, एक एक्सटर्नल पिन्ना उपस्थित होता है। जैसे हमारा कान है वैसे आपने हाथी में कान देखा होगा, वो भी स्तनी है, ठीक है। और किसी में घोड़ा में, गधा में, खच्चर, घोड़े गधे का मिक्सचर बराबर खच्चर, ठीक है। गाय भैंस सभी में आपने देखा होगा, खरगोश सभी में क्या होता है, पिन्ना, पिन्ना फाउंड, ठीक है। एक्सटर्नल पिंडा बाह्य कर्ण होता है। और मिडिल ईयर जो अगर मध्य है तो इसमें किसके साथ होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपीस, तीन इसमें जोड़ी होती है हड्डी, ठीक है। एक इधर तो दो दो तीन तीन, तो मैलियस, इनकस और स्टेपीस ये हड्डियां हैं दोस्त। और सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपीस, आप सभी लोग जानते हैं स्टेपीस, ठीक है, इनमें होती हैं। अगला पॉइंट्स क्या है, स्किन हैव ग्लैंड्स, और इसके त्वचा में, अभी मैंने बताया था कि मेमोरी ग्लैंड्स तो होती है, लेकिन अब देखिए यहां पर कौन कौन सी त्वचा में ग्लैंड्स होती हैं, स्वीट ग्लैंड्स होती है, ऑयल ग्लैंड्स और सीबीएसएस ग्लैंड, ठीक है। सीबीएसएस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। और अगली खास बात यहां पर, इसका जो स्कूल होता है, देखिए पूरे हम बात कर लिए हैं पूरे मैमल्स में, इसके सब कुछ लेकर के, जनन से लेकर के, इसकी ओरिजिन से लेकर के, इसकी सारी संरचना के बारे में, सभी के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर स्कूल जो होती है, इसकी खोपड़ी डाइकंडाइलर होती है। कैसी होती है? डाइकंडेलिक होती है। इसका मतलब इसमें टू ऑक्सीपिटल होते हैं, दो ऑक्सीपिटल होते हैं। और यह जो डाइकंडालिक स्कूल होती है, और इस मैमल्स के साथ साथ किसमें होती है, एम्फीबिया में भी होती है, आल्सो इन एम्फीबिया, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी रेप्टाइल्स में, एबीज में देखा था मोनोकंडाइलिक थी, इसे थी मोनोकंडाइलिक थी, ठीक है। अब अगली खास बात यह है कि हाफ ऑफ लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ सिंगल डेंटरी बोन। देखिए जबड़ा जो है, आधा है जो नीचे का जबड़ा है, ये इसमें केवल और केवल किसका बना होता है, ये होता है मेड अप ऑफ सिंगल डेंटरी बोन का बना होता है। यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यह क्वेश्चन आ चुका है, आधा ये भाग किसका, सिंगल डेंटरी बोन्स का बना होता है। अगली खास बात ये देखिएगा, ट्रिपल स्टार, ये अगली खास बात क्या है कि वर्टिब्री आर ए सिलस, ठीक है। वर्टिब्री कैसी होती है, मैमल्स में ए सिलस होती है, ए सिलस होती है। टर्मिनोलॉजी का हमारा एक लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के आप टर्मिनोलॉजी के उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और पूरा का पूरा आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब। देखिए अब यहां पर हम आगे बढ़े अगर तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और है, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम इज फाउंड इन ब्रेन, यानी मैमल्स के ब्रेन में क्या होता है, कार्पस कैलोसम होता है, उपस्थित होता है। टर्मिनोलॉजी की मैंने बात किया कि कार्पस कैलोसम क्या है, टर्मिनोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा पूरे, और एक मैं और अभी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा जितने भी जूलॉजी से अलग और बॉटनी से अलग, ठीक है, टर्मिनोलॉजी पर। और कनेक्टिंग सेरिब्लर हेमिस्फीयर, ये देखिए कार्पस कैलोसम इज फाउंड इन ब्रेन, ब्रेन में उपस्थित होता है, जो किसको कनेक्ट करता है, सेरिब्लर हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। अगली खास बात क्या, जो क्वेश्चन बन चुका है दोस्त कि मनुष्य जो, सॉरी मनुष्य में कह रहा हूं बार बार, मैमल्स, मैमल्स में ही आते हैं मनुष्य भी, तो आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगली खास बात ये कि हार्ट, हार्ट के बारे में बात करें, दिल के बारे में, तो अब ये हार्ट कैसा होता है, फोर चैम्बर्ड होता है, अर्थात हार्ट में कितने चैम्बर, चार चैम्बर होते हैं, दो आर्किल और दो वेंट्रिकल, ठीक है, टू प्लस टू, टू आर्किल और प्लस टू वेंट्रिकल होते हैं, फोर चैम्बर हार्ट। इस खास बात और जो क्वेश्चन बन चुका है कि लेफ्ट सिस्टमैटिक आर्क परसिस्ट होती है, इसमें लेफ्ट सिस्टमैटिक आर्क क्या होती है, परसिस्ट होती है। अगली खास बात किडनी के बारे में कि किडनी इसमें मेटानेफ्रिक होती है, या किडनी कैसी होती है मेरे भाई, मेटानेफ्रिक होती है। और ये है मैमल्स कैसे होते हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं, अर्थात इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, NH2CO, NH2 यूरिया है इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो यूरियोटेलिक हो गए।
अगली खास बात ये कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है? होम्योथर्मिक, इसका जो तापमान है, इसके शरीर का जो तापमान है, मैमल्स के जो जंतु हैं इनके शरीर का जो तापमान है वो फिक्स रहता है। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमें चाहे जहां ले के घुस जाएं, चाहे पानी के अंदर डाल देंगे, चाहे बर्फ में डाल देंगे, चाहे गभू गर्म कर देंगे, लेकिन हमारे शरीर का जो तापमान है शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस कारण से इसे क्या कहेंगे? होम्योथर्मिक। ठीक है, होम्योथर्मिक। मैंने एक आपको बताया था ट्रिक भी, BMW बर्ड और मैमल्स में जो ब्लड होता है वार्म ब्लडेड होता है, बर्ड और मैमल्स का। ठीक है, अगली खास बात, इक्स आर माइक्रोलेस्थल। इक्स का इग कैसा होता है? माइक्रोलेस्थल होता है, और क्योंकि लेस इसमें होता है योक्सैक अथवा होमोलेस्थल। होमोलेस्थल और माइक्रोलेस्थल कहां पर होता है अगले मैं लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। अगले देखिए, अगली खास बात, क्रैनियल नर्व पर भी ये क्वेश्चन तो जरूर बन जाता है। पांचों का कंपैरिजन करके क्रैनियल नर्व को भी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कि एम्फीबिया में, बर्ड में, रेप्टाइल में, पिसीज में, मैमल्स में क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी होती है? तो यहां पर क्रैनियल नर्व मैमल्स में कितनी है? 12 जोड़ी। कितने हैं? 12 जोड़ी। क्योंकि हम आपको बता दें, हम तो अपने विधानसभा के हिसाब से याद रखते हैं, 12 विधानसभा तो 12 जोड़ी। ठीक है, क्रैनियल नर्व। ठीक है, अब देखो सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट, इनका जो लिंग होता है वो अलग अलग होते हैं, अर्थात मेल अलग और फीमेल अलग। मेल और फीमेल कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं भाई, एक में ही नहीं होता है, अर्थात यूनिसेक्सुअल, एक जीवधारी में एक ही लिंग होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखिए अगली खास बात क्या है दोस्त, कि हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स आर अब्सेंट। देखिए हाइंड लिम्ब फोर लिम्ब होते हैं, लेकिन हाइंड लिम्ब अब्सेंट कहाँ होता है मोस्टली? देखिए अब यहां पर हाइंड लिम्ब अब्सेंट कहां होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब्सेंट इन एक्वेटिक सिटेशियंस और साइरेनियंस। ठीक है, सिटेशियंस और साइरेनियंस। ठीक है, ये सिटेशियंस में कौन आते हैं? जैसे डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हाइंड लिम्ब अब्सेंट होता है, और साइरेनियंस में, और जैसे इसका एग्जांपल कौन है? सी काऊ। सी काऊ, इसमें भी हाइंड लिम्ब अब्सेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन तो रख दिया जाता है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं मेरे भाई, इसको भूलना नहीं है। अगली खास बात क्या है, कि अब्सेंस ऑफ क्लोएका, क्लोएका अब्सेंट होती है मैमल्स में, एक्सेप्ट किसका अपवाद, इसमें कौन है? मोनोट्रीम। मोनोट्रीम इसका क्या है? अपवाद है। अभी मोनोट्रीम क्या है और मैं आपको बता दूं, प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और थीरिया, ये सब क्या है? मेटाथीरिया। अब क्लासिफिकेशन के अपने अगले लेक्चर में आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूं। देखिए अगला, टीथ, दांत की अगर बात करें तो दांत कैसे? हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डायफोडोंट। इसका मतलब क्या है? कई बार बता चुका हूं, हेट्रोडॉम का, डोंट का मतलब है विषम दंती। इसका मतलब जैसे मनुष्य ही ले लो आप, चार प्रकार के दांत होता है ना, तो चार प्रकार भिन्न भिन्न हो गया, तो हेट्रो कह देंगे, हेट्रोडोंट कह देंगे, जैसे ICPMM, तो ये विषम दंती हो गया। थीकोडोंट मतलब गर्त दंती, गर्त दंती अर्थात वो किसी खांच में क्या होते हैं? फिट हो जाते हैं। ठीक है, गर्त इन गड्ढे में वो सॉकेट की तरह फिट हो जाते हैं, तो थीकोडोंट। और डायफियोडोंट मतलब कभी कभी बार दंती, मतलब अधिकतर जो जैसे हम लोग हैं मैमल्स में ही हैं, तो यह जीवन में कितनी बार दांत निकलता है? दो बार, एक बार गिरने, एक बार दूसरी बार निकलता है। अगर किसी में एक ही बार पूरे लाइफ तक है तो उसे मोनोडायफोड, उसे क्या कहेंगे? मोनोफियोडोंट कहेंगे। ठीक है, अगर दो बार निकल रहा है तो डायफियोडोंट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए लैरिंग्स विथ वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स जो होता है कंठ, उसमें क्या होता है? वोकल कॉर्ड। बढ़िया बढ़िया आवाज हम लोग निकाल सकते हैं, ई आ अ उ, ये सब निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बड़े मस्त मस्त। ठीक है, कुछ लोग तो यहां से डीजे भी बजा देते हैं मुंह से। अब देखो साइनस वेनसस अब्सेंट, साइनस वेनसस अब्सेंट, ये दोनों पॉइंट रखिएगा, और रीनल पोर्टर सिस्टम अब्सेंट, ये दोनों पॉइंट्स आप डब्बे में बंद करके रखना मेरे भाई, आंख बंद करके इसको याद किए रहना। मैमल्स आर विविपेरस, मैमल्स कैसे होते हैं? बच्चे देने वाले होते हैं, इसका कैरेक्टर्स है, लेकिन अपवाद है मोनोट्रीम्स, ये इग लेइंग होते हैं, अर्थात जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं।
और इनका बच्चे को क्या कराते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन इसमें अब ध्यान रखिएगा एक लिंग है, बच्चे को मतलब शिशु को जन्म नहीं दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, लेकिन इसमें स्तन ग्रंथि विकसित हो जाती है, ठीक है। जैसे डकबिल प्लेटीपस हो गया, एकिडिना हो गया, और इसमें आते हैं प्रोटोथीरियंस, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन में पूरा विस्तार से। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि जो मोनोट्रिम्स होते हैं ये एग लेइंग होते हैं। कैसे होते हैं? एग लेइंग होते हैं। और बाकी मैमल्स कैसे? वीवीपेरस। और ये भी बताऊंगा कौन ओवीवीपेरस होता है, मतलब ओवी वीवी पेरस कौन सा होता है, उसकी भी बात करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट्स क्या है दोस्त, अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहां ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है, कह रहा है फीटस नरिसेस थ्रो प्लेसेंटा। अगर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो रहा है शिशु का, तो अब वहां पर भविष्य बन रहा है, निर्धारित हो रहा है, तो वहां पर कौन नरिशमेंट करता है, कौन पोषण देता है? तो पोषण जो गर्भ में मिलता है शिशु को, वो प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। मैमल्स में किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। प्लेसेंटा बोले तो नाड़ा, नाड़ा जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके बाद नाड़ा नहीं काट देते हैं, डॉक्टर डॉक्टर पहुंचेंगे कड़वड़, बट कोई मनुष्य आज तक ऐसा देखा नहीं है उसके पूरे जीवन में नाड़ा ही लगा हो, शादी हो तो नाड़ा ही लगा हो। तो भैया शादी के समय तो नाड़ा नहीं बल्कि वो तो दूसरा कुछ बांधते हैं ना, कनेक्शन जोड़ते हैं उसमें पत्री में। अब देखो अगला खास बात क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इसमें उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होती है तो ये कौन होती है? एम्नियन, कोरियन, एलेंटोइस। एम्नियन, कोरियन और एलेंटोइस होता है, उपस्थित होता है। इस कारण से क्या कहां रखते हैं मैमल्स को? एम्नियोटा में रखते हैं। किसमें? एम्नियोटा में, एम्नियोटा में रखते हैं, ठीक है, एम्नियन मेम्ब्रेन है। देखिए अगला, अब यहां पर जैसे मैंने इसके लिए मैं बताया था एम्नियोटा में कौन है? राम। कौन है? राम, ठीक है। मैंने बताया था कि रेप्टाइल्स एवीज और मैमल्स, रेप्टाइल एवीज मैमल्स कैसे होते हैं? एम्नियोटा में रखे जाते हैं, ठीक है। अब अगली खास बात देखिए, प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय कोरियो एलेंटोइस। प्लेसेंटा किसके द्वारा बनता है? कोरियो एलेंटोइस के द्वारा बनता है, ये क्वेश्चन आया है। पेरेंटल केयर जे ग्रेटली डेवलप, इसमें देखिए पेरेंटल केयर अर्थात माता पिता इसकी बड़े अच्छे से उसका पूर्ण पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो पेरेंटल केयर हाईली डेवलप होता है, ठीक है। अपने बच्चे को कोई छोड़ देता है क्या, लात मार देता है क्या? बट ऐसे तो करेगा नहीं, ठीक है। अपने बच्चे को सभी प्यार दुलार देते हैं। एक कहावत आपने सुना होगा भाई कि बच्चे अपने बीवी दूसरी की बड़ी अच्छी लगती है, ये सुना होगा आप, इसको आप जो है गड़बड़ ना समझना, ये आपने सुना होगा, लेकिन पेरेंटल केयर ही यहाँ पर वो प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, पेरेंटल केयर ही। अब देखिए अगला, अगली खास बात क्या कि नेक इज हैविंग सेवन सर्वाइकल वर्टिब्री। जो नेक होती है गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री उपस्थित होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मोस्टली मैमल्स में, बट यहां देखिए क्या है, ब्रेडिपस अथवा स्लोथ इसमें कितना होता है? 9 अथवा 10, और सी काऊ में कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। और रिब्स कैसा होता है? बाइफिड होता है। रिब्स कैसा होता है? बाइफिड होता है, ठीक है। आगे क्या है खास बात इसमें दोस्त, उसकी भी हम चर्चा करते हैं कि आगे खास बात क्या है। देखिए बैट मींस चमगादड़, 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 ठीक है। बैट जो है चमगादड़ है, इस फ्लाइंग मैमल्स ये उड़ने वाला स्तनी है भाई। चमगादड़ जो उड़ता है वो अभी कैसा है? उड़ने वाला स्तनी है। और जो प्रोटोथीरियंस की अगर हम बात करें दोस्त, प्रोटोथीरियन की अगर हम बात करें, यहां ध्यान दीजिए, जो प्रोटोथीरियंस आर प्रिमिटिव मैमल्स, जो प्रोटोथीरियंस होते हैं वो आद्य प्रकार के स्तनी होते हैं, एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, जो किसके बीच कनेक्टिंग लिंक होते हैं? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहलाता है कौन? प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी अगले लेक्चर में होने वाला कि प्रोटोथीरियम में कौन आते हैं। मेटाथीरियंस, मेटाथीरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियम। मार्सुपियम भाई ये मेटाथीरियंस का एक करेक्टर है। मार्सुपियम ये क्या है कि जैसे कंगारू आपने देखा होगा तो वो एक थैला होता है ना, तो उसमें अपने बच्चे को रखे रहता है, तो मार्सुपियम कहलाता है वो थैला। उसी में उसका बच्चा सुरक्षित ऐसे देखता रहता है कि कोनो आ तो नहीं रहा है, उसकी मम्मी तो बचा ही रहे, फिर घुस जाता है इस तरीके से, ठीक है।
अब इसकी भी विशेषता और भी है इसमें, मैं आपसे आज एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि बताइएगा जरा कि कौन सा ऐसा मैमल्स है जिसमें दो लिंग पाए जाते हैं। अर्थात देखिए इसमें क्या कंडीशन है, दो लिंग होते हैं, मतलब ऐसे बाइफिड प्रकार के होते हैं, बाइफिड ठीक है, एक ही है उसमें लिंग का ऐसा हो जाए तो दो, या तो आप कह लीजिए दो वेजाइना होती है, ऐसा कौन मैमल्स है जिसमें दो वेजाइना और दो यूट्रस होता है। ठीक है, अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले लेक्चर में तो हम विस्तार से कराने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त हम आपको बता दें कि इस तरीके से जो हमारा सीरीज चल रहा है, हम ये सीरीज लगातार जारी रखेंगे। अगर हमने कहा एक बार फिर से कि अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो जरा लाइक करके जाना। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।